दोस्तों आज मैं आपको उदबिलाव के प्रजनन और बच्चों के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों उदबिलाव एक स्तनधारी जानवर है जो अपने बच्चों को गर्भ से जन्म देती है और उन्हें दूध पिलाती है। मादा उदबिलाव प्रायः 2 साल की आयु में और नर 3 साल की आयु तक यौन परिपक्व हो जाते हैं। और क्या आप जानते हैं समुद्री उदबिलाव साल भर में कभी भी प्रजनन कर सकते हैं। नदी के उदबिलाव का प्रजनन मौसम मार्च अप्रैल के महीने में होता है। मादा उदबिलाव का गर्भकाल तकरीबन 60 से 86 दिनों का होता है। मादा उदबिलाव का गर्भकाल प्रजाति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। गर्भकाल पूरा होने के बाद मादा उदबिलाव 2 से 3 बच्चों को जन्म देती है। इनके बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनका वजन 5 औंस के बराबर होता है। प्रजाति के अनुसार बच्चों का वजन अलग अलग हो सकता है। और क्या आपको पता है उदबिलाव के बच्चे जन्म के बाद 1 महीने तक देख नहीं सकते हैं, अर्थात वे 1 महीने बाद आंखें खोलते हैं। जब बच्चे देखने लगते हैं तब माँ उन्हें तैरना सिखाना शुरू कर देती है। उदबिलाव के बच्चे तकरीबन 2 महीनों के भीतर तैरना सीख लेते हैं। बच्चे 4 महीने की उम्र से खाना खाना शुरू कर देते हैं और उसके पहले 4 महीने तक वे माँ के स्तनपान पर निर्भर करते हैं। उदबिलाव के जब बच्चे खाना खाना शुरू कर देते हैं तब मादा उन्हें शिकार करने का हुनर सिखाना शुरू कर देती है। नवजात बच्चों की देखभाल मादा, नर और उसके बच्चों के बड़े भाई बहन मिलकर किया करते हैं, लेकिन बच्चों के खाने का प्रबंध सिर्फ मादा अकेली करती है। इसमें नर की सहायता नहीं मिलती है। और क्या आप जानते हैं बच्चे 1 साल के बाद अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। उदबिलाव के बच्चे बेहद नाजुक होते हैं। उदबिलाव के बच्चे अपने अगले जन्मदिन तक तकरीबन 32% बच्चे ही जीवित रह पाते हैं। क्या आप जानते हैं अगर उदबिलाव बच्चों का शिकार होता है या किसी अन्य कारण से मादा अपने बच्चों को खो देती है तो मादा प्रजनन के लिए दोबारा तुरंत तैयार हो सकती है। आमतौर पर उदबिलाव प्रजनन के मौसम में कई बार प्रजनन कर सकते हैं, लेकिन ये भोजन की प्रचुरता और आरामदायक और सुरक्षित स्थान पर निर्भर करता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं उदबिलाव के बच्चों को पप्स के अलावा किड्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।